नमस्कार, मैं हूँ स्कंदिता और आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं इंस्टा फीड पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान अब चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है, लेकिन तारीखों के ऐलान से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या का दौरा करने जा रहे हैं। अयोध्या जो कि योगी जी का गढ़ कहा जाता है, जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, जिसका क्रेडिट बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ले रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि योगी जी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी बीच में ऐसा सुनने में आया था कि हो सकता है इस बार मुख्यमंत्री मथुरा से चुनाव लड़ें, और फिर गोरखपुर भी तो योगी जी का ही इलाका है। लेकिन कहा जा रहा है कि योगी के मन में तो अयोध्या बसा है। अयोध्या के कई विधायक, सांसद और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी यही मांग है कि भैया मुख्यमंत्री रहते हुए 5 सालों में गोरखपुर के बाद अगर किसी जगह का योगी जी ने सबसे अधिक दौरा किया है तो वो अयोध्या ही है। खैर, आज की खबर यह है कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटेंगे, क्योंकि चुनाव आचार संहिता कभी भी लग सकता है, इसलिए जाते जाते योगी जी अपने अयोध्या को कुछ तोहफा देना चाहते हैं। योगी के गुरु महंत अवैधनाथ और महंत दिग्विजय नाथ से भी पुराना लगाव है। दोनों महंत राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, और अब जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो योगी यूपी के सीएम हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब 2 साल पहले 5 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन किया था, तब भी योगी उनके साथ ही थे। अब हम आपको बता देते हैं कि अयोध्या से चुनाव लड़ने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बीजेपी संगठन की तरफ से अयोध्या के पार्टी नेताओं से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने को लेकर फीडबैक भी लिया गया है। अयोध्या से योगी के चुनाव लड़ने से पार्टी एक तीर से कई निशाने साध सकती है। पूर्वांचल के लिए तो पार्टी के पास वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। योगी के अयोध्या से किस्मत आजमाने से अवध इलाके में पार्टी और मजबूत होगी। इसी बहाने नाराज ब्राह्मण समाज को भी अपना बनाने में आसानी होगी। सबसे बड़ा फायदा तो योगी के साथ अयोध्या का नाम जुड़ते ही हिंदुत्व की धार और मजबूत होगी। ये तो बीजेपी के लिए सोने पे सुहागा जैसा होगा। अयोध्या का जन प्रतिनिधि बनकर योगी देश भर में हिंदुत्व का माहौल बनाने में काम आए गए। वैसे तो बीजेपी के कुछ नेता योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे थे। पार्टी के सांसद हरनाथ यादव को तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उन्हें सपने में बताया, लेकिन कहा जा रहा है कि योगी की पहली पसंद तो अयोध्या ही है। तो ये थी हमारी आज की अपडेट, और ऐसे ही इलेक्शन से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इंस्टा फीड।